13 अक्टूबर को बहराइच में इसी बाज़ार में हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, उसमें नुकसान हुआ था लोगों का। लेकिन आज 5 दिन बीत जाने के बाद यहाँ की स्थिति अब सामान्य हो गई है। लोग हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद, देखिए दुकानें खुल गई हैं, पीछे ये केजिन ऑटो सर्विस सेंटर है और भी एक होटल है, तो दुकानें अब खुलना शुरू हो गई हैं। यहाँ के लोगों का कहना है बहराइच गंगा जमुनी तहजीब की वजह से जाना जाता था, लेकिन कुछ उपद्रवी ने ऐसा किया जिसकी वजह से ये हालात हुए। और कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ कि अब स्थिति इस बाज़ार में क्या है। क्या नाम आपका? सईद अहमद नाम है। कैसी स्थिति है अब? स्थिति तो सही है, धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं, लोग बस लोगों के दिमाग में डर है, बस और कुछ नहीं, डर बसा हुआ है भाई। तो काहे का डर अब तो सबका, पुलिस न पकड़ ले जावे, बस यही बात है, यही डर है। लेकिन हालात तो उस समय बेकाबू हुए थे। उस समय तो बेकाबू थे भाई, बहुत ज़्यादा बेकाबू होते, बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो गया उसमें, हमारा शोरूम जल गया। और शोरूम में हम दो पार्टनर हैं, एक अनुकार शुक्ला जी, एक हम हैं, और उसको भी लोगों ने फूंक दिया। और भी लोग उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? उमाशंकर गुप्ता। तो उमाशंकर जी, ये जो हिंसा हुई है, तो कुछ लोग थे इसमें शामिल हुए और हिंसा हो गई, इसको किस तरीके से देखते हैं और स्थिति अब क्या है? हम तो एक भयावह घटना थी जो घटती चली गई और होती चली गई, इस नज़र से देखते हैं। बाकी अब तो अमन चैन हमारे यहाँ एक दिन दो दिन भले रहा है, बाकी उसके बाद सामान्य स्थिति में लोग निकल रहे हैं, बैठ रहे हैं, दुकानें तो इसलिए नहीं खुल रहे, न तो बाहरी आदमी आ रहा है और न कुछ हम लोग खोलना भी चाहते हैं, तो खोल करके बोल बैठे रहेंगे, अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। आप कभी हुआ महाराज इनके अंदर मूल में कभी कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा होते नहीं था यहाँ, लेकिन हो गई, घटना होनी थी, अब तो उसका धीरे धीरे वो समझिए इंड होना है, आएगा धीरे धीरे आएगा, थोड़ा लौट रही है। तो दुकान आप लोग खोल रहे हैं अभी? हाँ, आप खोलेंगे कल से खोलेंगे, आज जुमा था इसलिए नहीं खोले, कल से खोलेंगे। नमाज पढ़ी आप लोग ने? जी, लेकिन एक जहाँ हिंसा हुई थी वहाँ से थोड़ी दूर पे एक मस्जिद है, वहाँ नमाज तो नहीं पढ़ी गई? वहाँ हम लोग अंदर चले गए, तो वहाँ नहीं गए थे, नहीं वहाँ क्योंकि फोर्स ज़्यादा है, फोर्स वहाँ ज़्यादा है, इसलिए लोग संकोच बस वहाँ नहीं जाते हैं कि पता नहीं, चलो अब दूसरी मस्जिद से पढ़ लेते हैं, 3 मस्जिदें यहाँ हैं, तो एक जगह अपना फॉर्म पूरा करना कर लिए। तो क्या लगता है अब पुलिस का डर है यहाँ पे? पुलिस का डर तो भी है, पुलिस का तो डर अभी तो है ही है, लेकिन प्रशासन हमारी सिक्योरिटी के लगी है। और हम आपके ज़रिए ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब यहाँ पे अमन शांति होना चाहिए, जो कि अब धीरे धीरे कायम हो रही है, बस जो लोगों में ये घाव भर गया है इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और दुकानें खुलनी चाहिए, जिससे कि लोगों का आना जाना और आम जनमानस को परेशान जो परेशानी हो रही है वो ख़त्म किया जाए। चाचा, ये किस वजह से हो गया इतना हिंसा? ये हम तो थे नहीं, हमारा घर पीछे पड़ता है, इसी गाँव में है मगर किनारे पड़ता है, हम ये बाद में सुनाई दिया कि हाँ वहाँ पर घटना हो गई, वहाँ जो है बवाल हो गया है, गोलियाँ चल गई हैं, हमने पता किया क्या वजह से, तो कहा वो गाना बज रहा था, वो दीन मजहब के बारे में उल्टा सीधा गाना लग रहा, तो वही लोग रुकवाने के चक्कर में वो नहीं मान रहे थे, उसी में बवाल हो गया, और उसी में जो है बवाल होते होते उस लड़का उसके छत पर चढ़ गया अब्दुल हमीद के, और उसका जो हरा झंडा था उसको उतार कर फाड़ने लगा, और उसके बाद जो है फाड़ मारने लगा, वो अपना भगवा वाला झंडा लगा दिया वहाँ, और उसी वजह से उसमें उत्साह लोगों ने गोली चला दी किसी ने, उनके घर का कोई था। अच्छा, हिंसा के आज 5वां दिन है, अब क्या स्थिति है बाजार में? नहीं, स्थिति अंदर से जो एक दर्द है वो केवल है अंदर से, बाकी और मन में कुछ नहीं, सब आदमी आहार निकल बैठ रहे हैं, सब आ रहे हैं, 2-4 होटल जहाँ खुले हैं वहाँ लोग आ जा रहे हैं, ऐसा नहीं भविष्य में नहीं ऐसा कुछ दिखाई देता है, लेकिन यह प्रशासन है, पुलिस लगी है, तो लोग थोड़ा संकोच बस कम निकलना पसंद करते हैं, कम आ जा रहे हैं बस। तो यहाँ स्थानीय लोग का साफ कहना है कि कुछ अराजक तत्व ने ऐसा किया है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सब अमन चैन है, और लोग अब जुमे की नमाज अदा करने के बाद दुकानें खोल रहे हैं, और इसे अब ये लग रहा है कि बहराइच में स्थितियां सामान्य हो रही हैं। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18, बहराइच।